ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। चीन के सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों पर किए गए हमले को लेकर उलेमा हुए आग बबूला, कहा कि प्रधानमंत्री जी कहा है वो 56 इंच का सीना एक सिर के बदले लाए 1000 सिर। चीन के सैनिकों द्वारा भारत के सैनिकों पर हुए हमले को लेकर देवबंदी उलेमा आग बबूला हो गए और कहा कि हमारी प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना कहाँ है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि हमारे एक सैनिक के सर के बदले चीन से 1000 के सिर लाए। इसी के साथ कहा कि नेपाल, जिसकी कोई औकात नहीं है, वह भी भारत को आंख दिखा रहा है। चीन की यह बहुत ही घिनौनी हरकत है, उसने हमारे सैनिकों के साथ धोखे में हमला किया है, हम उसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। और नेपाल और चीन जो ये हरकत कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से जिनका 56 इंच का सीना है, हम उनसे मांग करते हैं, सरकार उनके है, उनको चाहिए कि तुरंत उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले और एक सिर के बदले में 1000 सिर लेकर आए। चीन ने जो घिनौनी हरकत की है, हम उसके सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं और बहुत ही अफसोस है हम लोगों को। हम बहुत ही अफसोस के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से दरखास्त करना चाहते हैं, जिनका 56 इंच का सीना है और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार इस मुद्दे को लेकर के आए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने सैनिकों का तहफ्फुज़ करना चाहिए। हमारी हुकूमत, हमारा मुल्क कमज़ोर नहीं है। हमारे मुल्क ने हमेशा अपने दुश्मन के खिलाफ आंखों में आंखें डालकर बात की है और सीना तानकर दुश्मन के सामने खड़ा रहा है। तो आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जिस तरह चीन ने यह हरकत की है और नेपाल हरकत कर रहा है, एक सैनिक के सर के बदले में 1000 सैनिकों के सर उतार कर लाएँ, तब हमें मालूम हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है और प्रधानमंत्री जी हमारे ताकतवर हैं, हमारी सरकार भी ताकतवर है। ये चीन की और नेपाल की यह हरकत किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत।